हम देखने वाले हैं हमारे लाइट वेट आयरन में अगर डेड प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमारे इस आयरन में हम प्लग पे लगाने के बाद आयरन हीट नहीं होती, आयरन का इंडिकेटर जो है वो ऑन नहीं होता है, और किसी भी तरह का अगर आप इसको घुमाते हैं तब भी ये प्लेट में कोई भी हीटिंग होती नहीं है, तो इस कंडीशन में आपके दो ही पार्ट्स जा सकते हैं। एक तो हमारा ये केबल ख़राब हो सकता है और दूसरा जो है वो हमारा इसका थर्मोस्टेट जो है वो थर्मोस्टेट ख़राब हो सकता है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसे कहते हैं डेड प्रॉब्लम, जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इलेक्ट्रिक आयरन को किसी भी तरह का आपको नीचे करंट सप्लाई नहीं मिल रहा है, या समझ लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो आपकी गर्म नहीं हो रही है। इसे कहते हैं डेड प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने वाले हैं हम, पूरे टेस्टिंग करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले देखेंगे इसका लीड का कनेक्शन बराबर है, इसका लीड वायर जो है वो सब कुछ सही तरह से चल रहा है, या फिर इसका थर्मोस्टेट जो है वो सब कुछ सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसका स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अभी कस्टमर ने आपको क्या बोला है कि आयरन जो है हमारी चालू नहीं हो रही है, प्लग में लगाने के बाद भी करंट नहीं ले रही है, इंडिकेटर नहीं ऑन रहा है और आयरन जो है हीट नहीं हो रही है। इतना प्रॉब्लम आपको कस्टमर ने बताया है। इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको सीरीज बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सीरीज बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है। सीरीज बोर्ड के बिना आप इसको टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, ये पहली बात है। आपको इसके लिए सीरीज बोर्ड की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो सीरीज बोर्ड कृपया आप बना लीजिए। निष्कर्ष निकाले हैं कि दो दो आइटम जो है ख़राब हो सकते हैं। वो कौन से ख़राब हो सकते हैं? एक तो हमारा केबल है और दूसरा जो है हमारे पास ये थर्मोस्टेट है। हमने पहले से ही थर्मोस्टेट जो है नया लाया है, स्पेयर पार्ट वाला .in से आप खरीद सकते हैं थर्मोस्टेट। ये कुछ इस तरह का थर्मोस्टेट आपको मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का थर्मोस्टेट है, ये रेगुलर थर्मोस्टेट है। ये आपको मतलब 100 में से 80% में आपको यही थर्मोस्टेट जो है मिल जाएगा आयरन में। हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है। अगर इसका केबल अगर ख़राब होता है तो हमारे पास केबल भी अवेलेबल है, वो भी आप स्पेयर पार्ट वाला .in से खरीद सकते हैं। पहले आपको केबल चेकिंग करने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमारा ग्रीन वायर है ये होता है अर्थिंग वायर। आपको ग्रीन वायर को यहाँ पर एक सीरीज का लगाना है और यहाँ पर लगाना है, यानी कि देखिए ये है अर्थिंग का, बड़ा वाला यानी अर्थिंग का होता है, आप देख लीजिए इसको कहते हैं अर्थिंग। और हमारा प्रेस का अर्थिंग क्या है? ग्रीन, यानी कि ये कनेक्शन जो है वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद आपका रेड, रेड है इसका मेन। देखो मेन को यहाँ, मेन यही होना चाहिए। अगर मेन आपका यहाँ आ रहा है तो ये जो प्रेस है ये ख़राब हो चुकी है आपकी, यानी ये जो है वायर ये ख़राब हो चुका है। मेन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मेन यहाँ पर ही आना चाहिए। और ये जो अर्थिंग है ये यहाँ पर आना, यहाँ पर ही आना चाहिए, यहाँ पर अर्थिंग को आना नहीं चाहिए, यानी कि ये लीड है वो सब कुछ सही है। अभी हमारा जो है ब्लैक वायर रह गया। देखिए इसका मतलब ये है कि हमारी लीड जो है वो पूरी तरह से सही है। इसका प्रॉब्लम जो है अभी थर्मोस्टेट में है। अभी हम थर्मोस्टेट को देखेंगे। अभी हमें बॉडी खोलना पड़ेगा जिससे कि हम यहाँ थर्मोस्टेट तक पहुँच सकें। इसका मतलब यही निकलता है कि हमारा थर्मोस्टेट जो है वही ख़राब है, इसलिए इसमें करंट सप्लाई नहीं आ रही है। अभी हम थर्मोस्टेट ओपन करते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आपका थर्मोस्टेट जो ओपन हो जाएगा और इसको हम अभी टेस्ट करते हैं। ये देखिए हमारा थर्मोस्टेट जो पूरी तरह से सही, कुछ सब कुछ सही है। मैंने ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है और किस तरह से इसको हैंडल करना है, इस प्रॉब्लम को। स्टूडियो में हम देखने वाले हमारा थर्मोस्टेट जो है इसे किस तरह से आपको चेंज करना है और इसकी वायरिंग जो है वो किस तरह से रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस तरह के कुछ नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।